जब प्रोकैरियोटिक सेल ई कोलाई के अंदर अपन ने यूकैरियोटिक डीएनए को क्या किया था, इंसर्ट किया था कि नहीं किया था, और क्या वो फंक्शन किया था उसने? नहीं, क्यों नहीं किया था? क्योंकि अपने बताया था कि इससे जो आरएनए बनता है वो कौन सा बनता है, एचएनआरएनए। कैसा बनता है? एचएनआरएनए। जो एचएनआरएनए बनता है उसके तीनों सेगमेंट थे, इंट्रोन भी था उसमें, एक्सोन भी था, इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन ऐसा होता है। जो कि इंट्रोन पार्ट क्या होता है इसका? नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। एक्सोन होता है फंक्शनल, तो इसको फंक्शनल बनाया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के थ्रू। जो कि स्प्लाइसिंग की प्रोसेस अपन को पता है प्रोकैरियोट में नहीं होती, अगर नहीं होती तो वहां पे फंक्शन नहीं करेगा। फंक्शन नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा? आगे एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए से आगे प्रोटीन नहीं बनेगा। तो बोले तो ये होस्ट सेल के अंदर जाके काम नहीं करेगा, नॉन फंक्शनल रहेगा। तो इसे ओवरकम करने के लिए अपन क्या करें? अपन को चाहिए अपना डिजायर्ड जीन, जो कि आगे होस्ट में जाए भी और फंक्शन भी करे, होस्ट में जाए भी और फंक्शन भी करे। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सुनिएगा। एक दूसरी टेक्निक अपनाते हैं यहां पर, सीडीएनए। फर्स्ट तो अपने देखा था रैंडम मेथड, सेकेंड मेथड है सीडीएनए मेथड। सीडीएनए मेथड, सीडीएनए मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड। इसमें क्या करते हैं देखना, सबसे पहले तो अपन जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो एचएनआरएनए बना है, क्या बना है? एचएनआरएनए। और यूकैरियोटिक सेल में स्प्लाइसिंग के थ्रू एचएनआरएनए को अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एमआरएनए में। किसके अंदर करते हैं? एमआरएनए में कन्वर्ट कर दिया। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रोसेस हो चुकी है। अब इस एमआरएनए को अलग हटा लिया और अपन को पता है इस एमआरएनए में ओनली कौन से पार्ट होंगे? एक्सोन और एक्सोन ही होंगे। यहां पे एक्सोन भी है, इंट्रोन भी है, एक्सोन भी है, और स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू अपन ने क्या कर दिया, यहां पर इंट्रोन को रिमूव कर दिया। क्या बचा? ओनली एमआरएनए बचा। अब एमआरएनए को क्या करेंगे? इस एमआरएनए, जो एमआरएनए बना है यहां पर जिसमें एक्सोन और एक्सोन पार्ट है, यहां पर एक प्रोसेस करवाएंगे अपन। कौन सी? कौन सी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम कौन सा होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में, तो एंजाइम होगा यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये एमआरएनए? किसमें हो जाएगा? डीएनए में। एमआरएनए किसमें कन्वर्ट हो गया? डीएनए। अब ये बन गया डीएनए। और कैसा डीएनए बनाइए? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सीडीएनए, क्योंकि इसको अपन किससे बनाए? एमआरएनए से बनाए। बाकी जनरली में, नेचुरली में क्या होता है, नेचुरल में क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है, आरएनए बनता है। यहां पे एमआरएनए से अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया है इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसको क्या करना है? इसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करना है। ये मान लो होस्ट सेल है, ये बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल ले ली, ईकोलाई की अपन ने, ईकोलाई को लिया और इसको अपने होस्ट सेल में इंसर्ट किया। सुनिएगा, अभी सारी चीजें हैं कि इसको प्लाज्मिड के अंदर अपने लगाया है, इस प्लाज्मिड को इसके अंदर अपने ट्रांसफर किया है, प्लाज्मिड को इसके अंदर ट्रांसफर किया है। मैं डायरेक्ट इसको डीएनए इसी प्रकार ये लिख रहा हूँ, इसको इतना अंडरस्टूड है कि ये प्लाज्मिड के अंदर है, प्लाज्मिड का ही ये पार्ट है अभी, ठीक है? समझने के लिए अपने डायरेक्ट सिंपली ऐसा बनाया है, बाकी प्लाज्मिड का ही पार्ट है, प्लाज्मिड के थ्रू ही अपन ने इसके अंदर ट्रांसफर किया है। तो अब बताओ ये क्या करेगा, इससे क्या बनेगा? डीएनए है, डीएनए क्या बनाएगा? एमआरएनए। और एमआरएनए कैसा है? ये फंक्शनल, पूरा का पूरा पार्ट क्या रहेगा इसमें? एक्सोन, एक्सोन। और एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अगर प्रोटीन बना तो मतलब जो अपन को डिजायर्ड था, जो अपन को चाहिए था वो बन रहा है, मतलब फंक्शनल है। तो सीडीएनए मेथड से अपन क्या कर सकते हैं? डिजायर्ड जीन को ऑब्टेंड कर सकते हैं। डीएनए बना लिया, फिर इसको क्या करेंगे? अपन ट्रांसफर कर देंगे और बन जाएगा अपना प्रोटीन। तो अपने तीन मेथड पढ़ी, एक तो रैंडम मेथड, दूसरी है सीडीएनए, और तीसरी है कौन सी? आर्टिफिशियल, जिसको बोले तो सिंथेटिक। तो रैंडम मेथड में प्रॉब्लम आ रही थी, तो रैंडम मेथड को प्रीफर नहीं करते, क्योंकि रैंडम मेथड को अगर यूज करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है अपना वो फंक्शन नहीं करेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? फिर सेकेंड मेथड अपनाएंगे, सीडीएनए मेथड, जिससे वो फंक्शन तो करेगा लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है और खर्चा भी होगा। तो इससे अच्छा क्या रहेगा? डायरेक्टली अपन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर ले डिजायर्ड जीन को, क्योंकि अपने पास हर एक ह्यूमन का, ह्यूमन के पूरे जीनोम का अपने पास इंफॉर्मेशन है, पूरे ह्यूमन के जीनोम की इंफॉर्मेशन है। कैसे इंफॉर्मेशन है भाई? क्या पढ़ा था अपन ने? एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग पूरे ह्यूमन जीनोम का अपने पास इंफॉर्मेशन है कि कौन सा जीन किस प्रकार के कंट्रोल करता है, कैसे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो उसकी सिक्वेंस से अपन सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लेंगे, तो वो सबसे बेस्ट मेथड होगी अपने डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन करने की। इतना उतार दो।
और cDNA टेक्निक अपन ने क्यों अपनाई है, किस चीज से बचने के लिए, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, cDNA मेथड को अपनाते हैं। एक लाइन लिख दो नीचे, cDNA फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, cDNA फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन cDNA फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन escape the process of splicing। अगर splicing process से अपन को escape करना है, बचना है, तो अपन क्या करेंगे, cDNA method का use करेंगे। हो गया। Next third थी अपनी synthetic और बोले तो artificially। सिंथेटिक अपने पास न्यूक्लियोटाइड होंगे, न्यूक्लियोटाइड को अपन बाइंड करवा सकते हैं। और ये जब अपन ने पढ़ क्या पढ़ा था, जेनेटिक कोड पढ़ा था, उस टाइम भी आया था, अलग अलग कोडोन को जोड़ने का काम किया था किसने, अपने इंडिया के साइंटिस्ट कौन थे, हरगोबिंद खुराना। ठीक है, एक दो लाइन है वो लिख दो डायरेक्ट इसमें। सबसे पहले लिख दो कोरेनबर्ग synthesized first synthetic DNA। इन्होंने तो कोई DNA बनाया था ऐसे ही, कोई भी DNA बना दिया था, कोई desired नहीं बनाया था कि जो अपन को अपनी help करे biotechnology के अंदर, जो desired था, जो चाहिए था, वो बनाया था अपने खुराना ने। लिख दो खुराना synthesized first artificial gene, खुराना synthesized first artificial gene बनाए थे हरगोबिंद खुराना ने। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले जीन क्या होता है, जीन किसको बोलते हैं अपन, डीएनए का फंक्शनल पार्ट, जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो आगे क्या बनाने की, आरएनए बनाने की। या अपन ऐसा भी लिखा था जीन क्या होता है, डीएनए का वो फंक्शनल पार्ट जो किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को बनवा सकता है, तो बोले तो एमआर, वो पॉलीपेप्टाइड जो बनेगा क्या डीएनए से बनेगा कि एमआरएनए से, डीएनए से बनेगा, प्रोटीन किससे बनेगा, एमआरएनए बनाना पड़ेगा ना पहले, क्या अकेला एमआरएनए चाहिएगा, प्रोटीन बनाने के लिए ओनली एमआरएनए काफी है क्या, डीएनए और बस एमआरएनए बन गया प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन बनाने की मेथड को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन में क्या क्या रिक्वायर्ड था अपन को, एमआरएनए तो उसका बेस बना रहा था, उसके साथ आके कौन जुड़े थे, राइबोसोम के अंदर क्या होता है, आरआरएनए, और साथ में और क्या आया था, टीआरएनए क्या कर रहा था, एमिनो एसिड को ला रहा था और एमआरएनए के साथ जो उसके ऊपर जो नाइट्रोजनस बेस थे उसका कॉम्प्लीमेंट्री था कि नहीं था उसके साथ, टीआरएनए का एक पार्ट, और दूसरे पार्ट पे वो क्या कर रहा था, एमिनो एसिड को जोड़ रहा था, और एमिनो एसिड जोड़ के एक पूरी प्रोटीन की चेन बना रहे थे। तो उसके लिए अपन को तीनों टाइप के आरएनए चाहिए, राइबोसोम चाहिएगा, सारी चीजें रिक्वायर्ड होगी तभी जाके अपन प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले, अपन जब जेनेटिक कोड पढ़ रहे थे, अपने क्या बताया था, जेनेटिक कोड के बारे में बता रहे थे कि तीन जेनेटिक कोडोन मिलकर एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले एक टीआरएनए का सिंथेसिस किया था, और जिसको बोलते हैं अपन एलानिन टीआरएनए। अपने क्या बताया था कि हर एक एमिनो एसिड के लिए टीआरएनए क्या होता है, स्पेसिफिक, हर एक एमिनो एसिड के लिए अलग से अपने बताया था टीआरएनए स्पेसिफिक होता है। किसी उसके पास आइडेंटिफाई करेगा पर्टिकुलर एमिनो एसिड को, और वही टीआरएनए उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कैरी करके लेके आएगा वहां पे एमआरएनए तक, राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट तक लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा। क्या एक टीआरएनए होता है, नहीं, जितने एमिनो एसिड होते हैं उतने ही टीआरएनए होते हैं, जितने टीआरएनए है उतने एमिनो एसिड वो, इतने ही एमिनो एसिड को वो लेके आएगा। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर टीआरएनए हर एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। तो इन्होंने बनाया था एलानिन टीआरएनए, सिंथेसिस किया था सबसे पहले हरगोबिंद खुराना ने।
जो कि आर्टिफिशियली जीन है। उसके बाद टेक्निक आती गई जो अपन को न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट नए नए जीन बनाते गए और आज टाइम में बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट मेथड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये आर्टिफिशियली और जो सिंथेटिक मेथड है ये सबसे बेस्ट है कि इसमें टाइम भी नहीं लगता, डायरेक्ट अपन लैब के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं। बाकी मेथड में क्या करना पड़ेगा अपन को, रैंडम में क्या करना पड़ेगा, किसी सेल को लेना पड़ेगा, सेल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसका डीएनए सेपरेट करना पड़ेगा, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके अपन डिजायर्ड जीन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी एचजीपी तो अपने पास है, कंप्यूटराइज पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो अपन आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिजायर्ड जीन को सिंथेसाइज कर लें और उसको आगे ट्रांसफर कर दें किसके, होस्ट सेल में। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। लिख दो खुराना सिंथेसाइज, फर्स्ट आर्टिफिशियली जीन लिख दिया, नेक्स्ट लाइन लिख दो ही सिंथेसाइज द जीन, he synthesized the gene coding for yeast alanine tRNA, मतलब yeast के अंदर सबसे पहले किसमें, yeast के अंदर डिस्कवर किया था किसको, alanine tRNA को। मतलब क्या इसका, कि वो tRNA जिसके ऊपर alanine आके जुड़ता है, एलानिन आके जुड़ता है, लिख दो ईस्ट एलानिन टी आर एन ए, विच कंटेंड ओनली 77 बेस पेयर। ये बेस पेयर क्या है भाई, न्यूक्लियोटाइड, क्या आरएनए न्यूक्लियोटाइड होता है, होता है ना, क्यों नहीं होता, होता है, बस आरएनए डीएनए में फर्क क्या है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे भी तो न्यूक्लियोटाइड होता है। तो टोटल कितने थे, 77 बेस पेयर्स। हाउएवर इट डिडंट फंक्शन इन द सेल, इसने सेल के अंदर फंक्शन नहीं किया, काम तो नहीं किया, बना दिया था बोले तो नॉन फंक्शनल था, he didn't function in the cell. Next लिख दो, later on 1979 Khurana was able to synthesize a functional tyrosine tRNA जीन विद 207 बेस पेयर्स। ये फंक्शनल एक इन्होंने क्या बना दिया था, टीआरएनए बना दिया था, कौन सा, टायरोसिन एमिनो एसिड को कोड करने वाला टीआरएनए। ठीक है, जिसमें कितने बेस पेयर थे, 207 लिख दिया। नेक्स्ट, सिंस देन ए नंबर ऑफ जीन हैव बीन सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया अपना डिजायर्ड जीन के बाद कितने नंबर आ गया अपना। नेक्स्ट लिख दो होस्ट सेल, अपने बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स पढ़ रहे थे उसमें डिजायर्ड जीन भी देख लिया अपन ने, नेक्स्ट क्या है, होस्ट सेल। बताओ होस्ट सेल क्या होती है, जिसमें जीन अपन अपने कौन सा जीन ट्रांसफर करते हैं, वो सेल जिसमें अपन अपना डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करते हैं उस सेल को क्या बोलेंगे अपन, होस्ट सेल। ये क्या हो सकती है, कौन सी हो सकती है, अभी बताओ, हो सकती है प्लांट सेल भी हो सकती है, मान लो कोई जीन अगर अपन प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है और बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है, और एक जो अपने काम में आता है यहाँ पे हीस्ट सेल भी हो सकती है, कोई भी सेल हो सकती है जिसके अंदर अपन डिजायर्ड जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, वो क्या होगी, सारी होस्ट सेल हो सकती है, प्लांट एनिमल हो, बैक्टीरियल हो या हीस्ट सेल हो। लिख दो नाम बस,
कल अपने रैंडम मेथड पढ़ी थी तो उसके अंदर एक नाम आया था अपना क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आया था ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी थी वहां पे भी आया था। तो नेक्स्ट हेडिंग वही डाल दो अपने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो कि अपने दिया है बायोटेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पे, हाँ हॉस्टल मतलब कोई सी भी हो सकती है जिसके अंदर अपन डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करते हैं वो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत ईजी है तो वैसे भी बहुत कुछ आता है तुमको इसमें। चलिए बताइए एक चीज़ ध्यान रखना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर अपन क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किनको किनको, डीएनए, बस ओनली डीएनए, डीएनए भी हो सकता है वो, आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, किसी को अपन उसके किस बेस पे, इसका बेस प्रिंसिपल क्या है, किसके अकॉर्डिंग साइज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग उसको अपन क्या करते हैं सेपरेट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्स। साथ में क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो क्या होते हैं साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं, साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं। कहाँ पर अरेंज होते हैं वो, जेल के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स डीएनए आरएनए प्रोटीन अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, बोले तो एनोड और कैथोड लगाते हैं अपन, इलेक्ट्रिक पावर देते हैं, शॉक देते हैं, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होते हैं ये साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी क्या होता है कोई ना कोई चार्ज होता है कि नहीं होता, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव उसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे अरेंज हो जाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अपन क्या करते हैं, इसमें ध्यान रखना मैक्रोमोलिक्यूल्स बोला है, ऑप्शन में कई बार कई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा है जो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, डीएनए आरएनए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट ये सब क्या है मैक्रोमोलिक्यूल्स है, क्या है मैक्रोमोलिक्यूल्स, ध्यान रखना डीएनए भी डीएनए आरएनए भी मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रो नहीं है ये, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल जैसे अपन बात करें न्यूक्लिक एसिड, बड़े मैक्रो मतलब बड़े, माइक्रो मतलब छोटे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, या बोले तो प्रोटीन। यहां पे क्या करेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए जो प्रोटीन है उनको सेपरेट करेंगे किस बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के हिसाब से अपन उनको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, और इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और कैसे करेंगे वो भी अपन देखेंगे। चलो बताओ यहाँ पे अपन ने एक जेल यूज करी थी, जेल यूज करते हैं, कौन सी जेल है वो, एगारोज, कौन सी है एगारोज, नंदिनी कहाँ से प्राप्त करते हैं एगारोज को, एगारोज जेल है, बताते हैं कि एगारोज एगार एगार यूज करते हैं अपन, बताया था पिछली क्लास में है, किस में, एलगी, कौन सी एलगी थी, कौन सी थी, रेड एलगी, कौन सी एग्जांपल, यहाँ पे इलेवंथ का नाम भी बताए थे दो ना, तीन बताए थे नाम मैंने कहा दो एनसीईआरटी के दोनों याद रखने, अभी याद रखना जो एगारो जेल है वो किस, एगारो जेल अपन बनाते हैं अगार अगार से, किस से अगार अगार से, और इसको अपन ऑप्टेंट करते हैं किस से, रेड एलगी से, किस से करते हैं रेड एलगी, और जिनको सी वीड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सी वीड्स, सी वीड्स का मतलब समुद्री खरपतवार, समुद्री खरपतवार, बड़े बड़े होते हैं साइज में, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल है, ये इलेवंथ क्लास का है लेकिन एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम में नीट में तो आ ही सकता है, क्या है सुनिएगा, एक है जिलेडियम जिलेडियम ग्रेसिलेरिया जाइजेंटिना, ये तीनों है, दो ऊपर वाले इंपॉर्टेंट हैं, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, इनसे अपन अगार अगार ऑप्टेंट करते हैं, ठीक है, जो कि एक समुद्री खरपतवार भी अपन इनको बोलते हैं सी वीड्स। अभी आजकल जब भी अपन मार्केट में जाते हैं तो एगारोज लाते हैं, तो वो जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है वो अपन को पाउडरी फॉर्म में मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, वाइटिस पाउडर फॉर्म में मिलेगा, इतना लिख दिया, अनवांटेड होते हैं मतलब ये रेड एलगी,
अपने लिए अपन सही के अंदर ये ग्रो कर रहे हैं, अनवांटेड तो नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, बस बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में ग्रोथ करते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े शीप जो जहाज होते हैं ना, जहाज भी कई बार अटक जाते हैं कुछ एक, इतने इतने बड़े बड़े होते हैं कि समंदर के जहाज चलते हैं कि नहीं चलते। तो एक तो वो था, एक कौन सा है, एक आइलैंड है वहाँ आसपास में, वहाँ पे जाना मना ही है, कोई शिप भी वहाँ से होकर जाती नहीं है क्योंकि इतने बड़े बड़े वहाँ पे एलगी है ये, जिससे कि वो उनके टायर्स होते हैं जो रोटेट करते हैं फिर उनके अंदर वो फंस जाएंगे तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। एक दो जहाज तो ऐसे पहले फंस भी चुके थे, ठीक है, वो इसकी वजह से, इसलिए इनको बोलते हैं सी वीड, समुद्री खरपतवार एक प्रकार से। जहाज तो नीचे चल रहा है ना, ऊपर बाहर थोड़ी निकले रहते हैं, वो बाहर थोड़ी निकले रहेंगे, जहाज ऊपर ऊपर सरफेस पे चल रहा है क्या है? जाइजेंटिना का मतलब है जाइजेंट, बड़ा, जायंट जिसको बोलते हो तुम, वो है, ठीक है। अब सुनिएगा, यहां पे अपन इसकी मैकेनिज्म क्या है कि जैसे मान लो ये कोई बिकर लिया है अपन ने, अगर अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक अपनाते हैं, ये मान लो बिकर है, सबसे पहले मार्केट से अगर अपन अगार अगार लाएंगे तो व्हाइट पाउडर फॉर्म में मिलता है अपन को, किस फॉर्म में, व्हाइट पाउडर आता है, बिल्कुल सूखा पाउडर आता है। अब मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट अपन को करना है लैब के अंदर, तो उस पाउडर को अपन यूज़ करते हैं, उसके लिए एक सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। यहाँ पे अपन ने डाल दिया अगार अगार और इस अगार अगार के अंदर अपन सॉल्यूशन डालते हैं, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन डालते हैं उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं बफर सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नाम सुना है बफर, क्या मतलब होता है बफर का, बफर का मतलब होता है जो पीएच चेंज नहीं करता, न्यूट्रल होता है। अगर अपन ने कोई एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अपना डीएनए भी कैसा है, एसिडिक है, तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं डालनी, अपन को ऐसी चीज़ डालनी है जो पीएच चेंज नहीं करे, उसकी पीएच को चेंज नहीं करे, जिससे कि उसके फंक्शन या एक्टिविटी पर कोई फर्क पड़े, ठीक है। तो क्या डालेंगे, बफर सॉल्यूशन, जो कि मैं लिख देता हूँ ये क्या होते हैं, पीएच रेजिस्ट या पीएच रेजिस्टेंट होते हैं ये, ठीक है, पीएच चेंज नहीं होने देते, इनकी पीएच बोले तो न्यूट्रल पीएच टाइप की होती है। जैसे ही इसके अंदर मिलाया तो क्या बन गया, इसको अपन ने डिजोल्व कर दिया बिल्कुल, इसको घोल दिया। और एक चीज़ बताओ, जब भी अपन कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, गर्म करते हैं ना, गर्म करने से क्या होता है, वो एक ठंडा ठंडा ही रखें और एक गर्म करें, अगर तुमको पता है अपन गर्म करेंगे तो क्या अच्छे से डिजोल्व होता है कि नहीं होता, तो उसी प्रकार इसको भी अपन, और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, टेम्परेचर से तुम लोगों ने पढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है सॉल्यूशन में, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, अगर अपन इसको गर्म करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे, अबाउट 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी क्या हो जाएगी, डिजोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, बोले तो इजीली डिजोल्व होगा, बोले तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन बनता है, इसको अगर अपन देखते हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल अपन देखे तो बीकर में से देखे तो आर पार अपन को दिखाई देता है, किसको, अगार अगार को, बफर सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन बना लिया अपन ने। अब इस सॉल्यूशन में चलो इधर देखो एक बार, काम की चीज़ है, इस सॉल्यूशन के अंदर अपन को अब एक चीज़ और मिलाते हैं, अपन एक डाई मिलाते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया, नीट में आया, वो कुछ है, इथिडियम ब्रोमाइड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इथिडियम ब्रोमाइड पहले भी आया था कभी, इथिडियम ब्रोमाइड डाई है, इसको यूज करते हैं अपन, क्या करने वाले अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, अपने काम का है डीएनए को, अभी यहां पर किसकी देखेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक डीएनए के लिए, किसके लिए, डीएनए के लिए देखेंगे, और डीएनए को ये जो इथिडियम ब्रोमाइड है ये यूज करते हैं अपन स्टेनिंग फॉर डीएनए, डीएनए को अपन को स्टेन करना है, डीएनए को स्टेन करें विदाउट स्टेन किए, अपन नेक डाई से अपन डीएनए को नहीं देख पाएंगे, अपनी नेक डाई से अपन को डीएनए दिखाई नहीं देगा, उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो स्टेन करना पड़ेगा, और स्टेन करने के लिए यूज करते हैं अपन इथिडियम ब्रोमाइड डाई यूज करते हैं। और सुनिएगा, जब इथिडियम ब्रोमाइड डाई के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज गिरती है, इथिडियम ब्रोमाइड डाइज पर जब यूवी रेज गिरती है, तो जब यूवी रेज गिरेगी, जब रिफ्लेक्शन होगा, तो उसके बाद जो कलर दिखाई देता है अपन को, वहां पर कलर दिखाई देता है ब्राइट ऑरेंज कलर दिखाई देता है, कैसा कलर दिखाई देता है, ब्राइट ऑरेंज कलर दिखाई देता है।
जो कि डीएनए के सेगमेंट होते हैं। ये डीएनए को क्या कर देगा, स्टेन कर देगा। डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। कैसी नेचर होती है, एसिडिक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट, उसको स्टेन करने के लिए। बेसिक डाई है ये, कैसी है, बेसिक डाई है। एक नाम पहले अपन जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे थे वहाँ पे क्रोमेटिन आया था, एसिटोकार्बिन डाई नाम आया होगा, एसिटोकार्बिन डाई, जिसे क्रोमेटिन को अपन स्टेन करने के लिए यूज में लेते हैं, एसिटोकार्बिन। वो यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन पढ़ा था तुम लोगों ने, हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन, उनको अपन बोले स्टेनिंग करके देखते हैं। उसी प्रकार डीएनए को स्टेन करने के लिए अभी यहाँ पे यूज क्या किया अपने, इथिडियम ब्रोमाइड। और इथिडियम ब्रोमाइड किसकी प्रेजेंस में, जब यूवी रेज लाइट गिरेगी तब कैसा दिखाई कलर देगा, ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर अपन को दिखाई देगा। तो ये अपने सॉल्यूशन बना लिया है। क्या कैसा बनाया है, अगार अगार बफर सॉल्यूशन डाला, हीट किया तो अच्छे से डिजोल्व हो गया, और उसके अंदर और क्या डाल दिया अपने, इथिडियम ब्रोमाइड। और एग्जाम में नीट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है इथिडियम ब्रोमाइड का, ध्यान रखना कि अपन डाई है जो कि डीएनए को स्टेन करने के काम में आती है, इथिडियम ब्रोमाइड, ध्यान रखना इथिडियम ब्रोमाइड। अब ये सॉल्यूशन बन चुका है अपना, इस सॉल्यूशन बन गया, अब इसको आगे अपन परफॉर्म करेंगे। इतना उतार दिया क्या, उतार दो जल्दी से। तो कलर भी ध्यान रखना कैसा कलर देता है, ब्राइट ऑरेंज। हो गया, चलो ये अपन ने सॉल्यूशन बना दिया। अब इस सॉल्यूशन को देखना भाई, इधर देखो, अभी एक ट्रे लैब के अंदर एक ट्रे होती है इस टाइप से, ठीक है। इस ट्रे के अंदर इस सॉल्यूशन को अपने पूरा समझ जाओ क्या कर दिया है, फैला दिया अपने, क्या किया इसको पूरे को, इस ट्रे के अंदर इस सॉल्यूशन को पूरे को फैला दिया, और यहाँ पे अपने कॉम्ब लगा दिया, कॉम्ब कंगी। तो इसी प्रकार लैब के अंदर भी इसके लिए टेक्निक के लिए कॉम्ब होता है, देखना। स्क्रीन पे देखेगा, ऐसे नहीं मानेगा है? ये देखो ये कॉम्ब इस टाइप का, जैसे कंगा ही तो है अपना, जैसे कंगा होता है कुछ वैसा ही इस टाइप से, ये क्या है कॉम्ब। इसको क्या करेंगे अपन, जैसे ही ट्रे पे डाला, ये जो सॉल्यूशन बन चुका था सेमी सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन बन चुका था, और यहाँ पे अपन ने क्या डाल दिए, कॉम्ब लगा दिए, और पूरे को अपन ने यहाँ पर भर दिया, पूरे को फैला दिया अपने एगारोज सॉल्यूशन जो बनाए उससे, और 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया। 10-15 मिनट बाद के बाद अपने देखा कि वो क्या बन चुका है, वहाँ पे सेमी सॉलिड बिल्कुल सॉलिड सा बन चुका है, बिल्कुल यहाँ पर सेट हो चुका है वो इस ट्रे में, ठीक है। और अब इस कॉम्ब को क्या करेंगे अपन, यहाँ से हटा देंगे, और जैसे ही कॉम्ब को अपन यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे वेल्स बन जाएंगे, वेल मतलब समझते हो ना, कुआ। यहाँ पे गड्ढे बन गए, गड्ढे बन गए, अपने किसको निकाला, कॉम्ब को जैसे निकाला कुछ ऐसा हो गया, और यहाँ पे पूरे पे एगारोज फैला हुआ है। अब एगारोज को अपन माइक्रोस्कोपिक दिखा रहे हैं, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अपन इसको दिखा सकते हैं, किस टाइप से ये बन गया, देखना। यहाँ पे एगारोज फैली हुई है, तो मैं यहाँ पे एगारोज के मोलिक्यूल्स बना रहा हूँ, मान लो ये एगारोज के मोलिक्यूल्स है, यहाँ पे एगारोज फैली हुई है, समझने के लिए कि एगारोज के मोलिक्यूल्स फैले हुए हैं, ये देखो पूरा एगारोज, ऐसा होता नहीं है बाकी, अपन समझने के लिए बना रहे हैं कि ये एगारोज के मोलिक्यूल्स है, पूरे के ऊपर पूरा एगारोज फैला हुआ है, तो ये क्या है अपने एगारोज मोलिक्यूल्स है। और इन मोलिक्यूल के बीच में देखो कुछ स्पेस है कि नहीं है, बीच में देखो, इनको अपन क्या बोल सकते हैं, बोलो, इंटरस्टिशियल की नहीं अपन यूज करेंगे, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, कि एगारोज के जो मोलिक्यूल है इनके बीच में जो स्पेस है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है। ये अपना जो एक ट्रे के ऊपर जो अपने डाला था ये अरेंजमेंट कर लिया, 15-20 मिनट तक अपने जैसे ही रखा वो सेमी सॉलिड वहाँ पे बिल्कुल प्लेट बन चुकी है, बिल्कुल जैसे मैट बिछ जाती है ना कुछ वैसा हो चुका है, और यहाँ पे वेल्स बन चुके हैं। ये वेल्स कैसे बनाए अपने, कॉम्ब के थ्रू, पहले यहाँ पे लगा दिया था जब इसके अंदर सॉल्यूशन डाला, फिर इनको निकाल दिया यहाँ पे अपने
वेल्स बन गए, और यहाँ पे ये क्या है, इनके मोलिक्यूल्स है, एगारोज के, अपने एगारोज के मोलिक्यूल्स है। ठीक है, अब अपन इसके अंदर अपना डीएनए लाएंगे। क्या लाएंगे? डीएनए। और डीएनए लाने के लिए सबसे पहले अपन को क्या चाहिएगा? डीएनए चाहिएगा। चलो देखो, इधर से ला रहा हूँ मैं इसको, इधर से कर रहे हैं, चलो इस साइड में बना देते हैं, कैसे भी इधर से, ठीक है, किधर ही बना दो, एक ही बात है। ठीक है, मान लो ये अपना था डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये लो। अब इस डीएनए को क्या करेंगे अपन, साइज के अकॉर्डिंग अगर सेट करना है तो पहले डीएनए को क्या करना पड़ेगा, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो कौन करेगा कन्वर्ट? आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। मान लो ये इस ये फ्रेगमेंट्स में क्या हो चुका है, इस प्रकार से अपना डीएनए कट हो चुका है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट गया। और इन फ्रेगमेंट्स को अभी क्या करेंगे अपन, मान लो इस वेल में डाल दिए। फ्रेगमेंट्स दिखेंगे थोड़ी अपन को अलग से, अपन को नहीं पता सारे, मान लो हाँ एक में, अपन को अलग से थोड़ी पता है, ऐसे अलग से पता चलेगा तो अपन उठा लेंगे ना, पीरा बड़ा वाला उठा लो, ऐसा थोड़ी अपन को दिख नहीं रहा है ये। ठीक है, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला है, ये ब्रेक हो गया। अब इसको अपन ने क्या किया, इस वेल्स में डाल दिया। जैसे वेल में डाला है, वेल में डालने के साथ साथ इस पे क्या लगाएंगे अपन, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या, कैथोड, कैथोड पे क्या चार्ज लिखते हैं, नेगेटिव। इधर क्या, एनोड पे क्या, पॉजिटिव। यहाँ से अपन ने लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे अपने बैटरी लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया, फिर यहाँ पे अपना ये डीएनए का जो अपने मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे सॉल्यूशन अपन ने डाल दिया। अब जैसे ही करंट फ्लो होगा, अपन को पता है इधर नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, और डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज है। तो बताइए डीएनए के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की ओर। किधर जाएंगे, पॉजिटिव की ओर। मान लो पॉजिटिव की ओर, यहाँ से वो निकल के इधर उधर जा रहे हैं। मान लो जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं अपन, बताइए फ्रैगमेंट अलग अलग है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे फ्रैगमेंट थे, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, सबसे आगे कौन होगा, सबसे छोटा, क्योंकि मोलिकुलर वेट कम है, मोलिकुलर वेट भी कम है, और इजिली इन स्पेस से पास हो सकता है कि नहीं हो सकता। मान लो ये आ गया यहाँ पे अपना सबसे छोटा, ये वाला इससे क्या होगा, थोड़ा बड़ा, और ये इससे भी बड़ा, और ये सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से साइज के जो हल्का होगा वो सबसे आगे होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन आएगा यहाँ से एग्जाम में, इधर क्या है एनोड, इधर क्या है कैथोड, और छोटा वाला सबसे आगे, क्योंकि छोटा है, साइज छोटा है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, लाइट वेट का है, तो इजीली इन स्पेस से क्रॉस होकर ये आगे जा सकता है, जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये आगे चला जाएगा। और अभी साइज के अकॉर्डिंग सेट हो गया, अभी भी अपन को ये दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अपन को नहीं पता कि सेपरेट हुआ है कि नहीं हुआ, इनके मॉलिक्यूल के बीच में से वो चला गया है। अब इसको सेपरेट करने के लिए वही इथिडियम ब्रोमाइड अपन ने डाला था, क्या डाला था, इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया। इथिडियम ब्रोमाइड डालने की वजह से क्या हो चुका, स्टेन, और इसको स्टेन हो चुका, लेकिन अभी भी अपन को दिखाई नहीं देगा। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूवी रेज। तो इस ट्रे को अपने एक इक्विपमेंट होता है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, उसके ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर रखा अपन लाइट जलाएंगे, और वहां से जो इससे यूवी रेज निकलती है उससे क्या लगती है, यूवी रेज, और नीचे से क्या निकलेगी, यूवी रेज। प्लेट ट्रे ऊपर पड़ी है, नीचे से आ रही यूवी रेज, जैसे यूवी रेज निकलेगी अपन को ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर के अंदर से अलग अलग सेगमेंट्स दिखाई देंगे, अलग अलग ब्राइट ऑरेंज कलर में सेगमेंट्स दिखाई देंगे। जो सेगमेंट अपन को दिखाई दे रहे हैं ब्राइट ऑरेंज कलर में, वही क्या है अपना डीएनए, और वो साइज के अकॉर्डिंग ऐसे सेट हुए मिलेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर लैब में कभी जाओगे तो तुमको बिल्कुल मिलेगा, कोई भी कोर्स कर लेना, बायोलॉजी से रिलेटेड है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखने को तुमको मिलेगा। वहाँ पे इस पूरी मशीन मिलेगी, उसके ऊपर अपन ट्रे रखें, नीचे यूवी रेज आ रही है, ब्राइट ऑरेंज कलर अपन को दिखाई देगा। ठीक है, बना दो। उनमें कोई दूसरा सैंपल डाल सकते हैं अपन, दूसरा डीएनए अगर पास है तो दूसरा सैंपल डाल दे, तीसरा डाल दे, वो अपन ने बताया था ना कि पहले तो अपन अपने साइट का क्या है, अपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या बोला था कि जिस साइट पे कुछ कांड हुआ है वहां से कुछ अपन मिला है डीएनए, तो मान लो इसके अंदर डाल दिया अपन ने, देखो इधर देखो डीएनए फ्रेगमेंट करके अपने फ्रेगमेंट आरएफएलपी किया था ना, वहां पे डाल दिया, ये अरेंज हो गया कि नहीं हो गया। अब जिसके ऊपर अपन को डाउट है उनको ले आओ, उसका इसमें डालो और मैच करो, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, विशेष साइट से काटता है, तो जिसका डीएनए दोनों का सेम होगा, स्पेसिफिक साइट से काटेगा तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेगमेंट्स की लेंथ सेम आएगी और वो एक साथ इक्वल प्रेजेंट। एक मैच होगा, एक तो हो सकता है, एक का जरूरी नहीं है, सारे के सारे फ्रेगमेंट मैच करने चाहिए,
वो पकड़ा जाएगा, सारे के सारे फ्रेगमेंट मैच होने चाहिए इक्वल, ठीक है, मेजरली। ऐसा नहीं है कि एक मैच हो रहा है पकड़ लो इसको, दबा लो इसको, मारो, ऐसा नहीं, सारे के सारे मैच होने चाहिए। क्योंकि अपन को पता है अपनी लाइफ शुरुआत हुई है एक सिंगल सेल से, जाइगोट से, तो अपनी पूरी सेल के अंदर जो डीएनए वगैरह है सब क्या है, पूरा सेम ही तो है। तो चाहे कोई सी भी सेल का एक्सट्रैक्ट कर लो डीएनए, जो अगर उसको आरी से काटेंगे तो सेम लेंथ में ही कटेंगे, तभी तो सब पर्सन एक दूसरे से अलग है। वीएनटीआर वही वैलेंस, अच्छा वीएसपीआरटी होती है वो, केमिस्ट्री भूल गया, कुछ भी वीएसपीआरटी होती है वो, वीबीटी वीएसपीआरटी थ्योरी, अच्छा कोऑर्डिनेशन में भी आएगी, हाँ ये वीबीटी थ्योरी वीएसपीआरटी थ्योरी सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और बहुत इजी है, खतरनाक नहीं है। टी टू जी इजी, टी टू जी इजी, टी टू जी एनर्जी लेवल, बिल्कुल आते हैं पक्का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% ही उससे, बहुत इजी है वो तो, बहुत इजी चैप्टर है, केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर लगता था मेरे को, मेरे जब पढ़ते थे तो सबसे फेवरेट चैप्टर वही था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी नेमिंग, उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, हो गया। इनका नाम भी लिख देना, ये क्या वेल्स, कुएं, कुएं लिखोगे क्या, वेल्स। सर ये चार्ज की वजह से थोड़ी ना, चार्ज की वजह से ही मूव कर रहा है, ये जो नीचे आया है और ऊपर चला गया है, साइज की वजह से, साइज और चार्ज दोनों, साइज और चार्ज दोनों। मान लो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगाते तो कहाँ डीएनए कैसे मूव करता, नहीं कर पाता, क्योंकि इधर पॉजिटिव है वो नेगेटिव क्या कर रहा है अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जितना ज़्यादा हल्का होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा उसकी ओर, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके जो एगारोज के मॉलिक्यूल है उनके बीच में क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, ये ए ए का मतलब क्या है, एगार एगार एगारोज के मॉलिक्यूल है अपने, ठीक है, हो गया। इसी को वापस दो चार जो एनसीईआरटी में दे रखा था, दो चार पाँच लाइनें इसी के बारे में जो अपने किया है वही लिख लो, लिखो, वैसे समझ जाओगे इससे भी लेकिन फिर भी लिखो। आफ्टर लोडिंग ऑफ डीएनए, इसका मतलब क्या है, डीएनए अपन ने यहाँ पे लाए हैं तो इसको क्या किया, इसके अंदर डीएनए को लोड किया है, डीएनए को लोड किया, लिख दो आफ्टर लोडिंग ऑफ डीएनए, आफ्टर लोडिंग ऑफ डीएनए इनटू द एगारोज जेल, इनटू द एगारोज जेल, इनटू द एगारोज जेल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे अपन, अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट लिख दो, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए फ्रैगमेंट मूव टू, डीएनए फ्रैगमेंट मूव टू एनोड, टू एनोड ब्रैकेट में लिख दो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बिकॉज बिकॉज डीएनए हैव नेगेटिव चार्ज, किस वजह से, क्योंकि डीएनए पे क्या होता है, किस वजह से होता है नेगेटिव चार्ज, फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज, लिख दिया। नेक्स्ट लिखो द डीएनए फ्रैगमेंट्स, द डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट, सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू थ्रू सीविंग इफेक्ट, सीविंग, सीव का मतलब क्या होता है, छलना, छलनी, छलनी, चाय वाली छलनी नहीं होती, सीव तो होती है वो, सीविंग इफेक्ट। यहां पे क्या हुआ देखो, इधर देखना, यहां से मान लो अपने डीएनए डाला है, डीएनए क्या हुआ है, छनके गया मान लो, तो इसको सीविंग इफेक्ट बोलते हैं, कि यहां से साइज के अकॉर्डिंग, तो बड़े साइज के थे वो जा नहीं पाए, छोटे साइज के थे वो आगे चले गए, इसको बोलते हैं सीविंग इफेक्ट, ठीक है, छल छनके जाना, ठीक है, छलना नहीं, छलनी, छलना, छलनी, सीविंग इफेक्ट,
लिख दिया, प्रोवाइडेड बाय द एगारोज जेल, प्रोवाइडेड बाय द एगारोज जेल सेविंग इफेक्ट, प्रोवाइडेड बाय द एगारोज जेल, एगारोज जेल नहीं तो सेविंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाया इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उसकी वजह से। नेक्स्ट लिखो, एरो करके लिख दो, हेंस कॉमा लिख डाल के, द स्मॉलर साइज, हेंस कॉमा द स्मॉलर साइज फ्रैगमेंट, स्मॉलर साइज फ्रैगमेंट कॉमा द फार्दर इट मूव्स, फार्दर का मतलब फर्दर, फार्दर फादर मतलब लिखते ना, फार्दर इट मूव्स। नेक्स्ट लिख दो, द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट, द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी, फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड, विजुअल ठीक है, विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर, ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए कंपाउंड, स्टेनिंग द डीएनए, स्टेनिंग द डीएनए विद ए कंपाउंड, विद ए कंपाउंड, कंपाउंड नोन एज, नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड फॉलोड बाई, फॉलोड बाई एक्सपोजर टू, फॉलोड बाई एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, किसके थ्रू देख सकते हैं अपन यूवी रेडिएशन, पहले तो अपन स्टेन करना जरूरी है और स्टेनिंग के बाद क्या करना है उनको एक्सपोज करना है किधर, अल्ट्रा वायलेट रेस, ये अपन ने बनाया कुछ ऐसा एगारो जेल के ऊपर, ये है वेल्स, कैथोड, एनोड, देख तो ले एक बार, यहां पे अपन ने बताया कि जैसे ही उसको स्टेन किया तो अपन को किस कलर का दिखाई देगा वो, रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर कौन सा है, ब्राइट ऑरेंज कौन सा है भैया, ये ऑरेंज है, ऑरेंज कलर है, जो भी है ठीक है अपने, ठीक है कोई ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसे, चलो देखो ये अपन ने डायग्राम बना देना और जो पॉइंट के रूप में लिख देना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, और एक इतना तो लिख देना, डायग्राम बना देना अच्छे से और रिप्रेजेंट कर देना इन चीजों को, लिखने की जरूरत नहीं है, ये लैंग्वेज तो तुम जो पढ़ो तुमको पता रहे कि हाँ ये चीज अपने लिखी है, ये एग्जाम में ऐसा दिखेगा नहीं अपन को, एग्जाम में अगर नीट के अंदर मान लो क्वेश्चन आ गया तो डायग्राम आ गया, डायग्राम में अलग से साइज के अकॉर्डिंग दिखाई देगा अपन को, ये सेम ही साइज के दिखेंगे अपन को, अपन को समझना है, अब तुमको बताना है कि इनका साइज क्या है, ये क्या है स्मॉलर साइज और ये क्या है लार्जर, ठीक है, ये लार्ज और स्मॉल साइज, सुनना इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, यहां पे मान लो अपन ने कल रैंडम मेथड पढ़ रहे थे उसके अंदर अपने बताया था मार्कर डीएनए को यहाँ पे डाल दिया, मार्कर डीएनए मतलब ऑलरेडी अपने पास सेट है कि अपने बताया डिजायर्ड जीन का साइज 15 केबी के आसपास हो तो यहाँ पे डाला तो वो साइज के अकॉर्डिंग सेट हो गए थे, हुए थे, अब मान लो इस लाइन पे आके अपने सेट हो गए थे, अपन को पता चला ये अपना डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन है तो इस डिजायर्ड जीन को अपन को क्या करना है यहाँ से बाहर निकालना, सुनना समझ गए, उस दिन किया था ना अपने खुरचण से सम्मत से, इसको क्या करेंगे बाहर निकाल दिया, देखना इस जेल से इस अपने डीएनए को सेपरेट करना और इसको अब मेल्ट करना, ध्यान से सुनना यहां पे एक टर्म आएगी इंपॉर्टेंट है, मेल्ट करके, मेल्ट किसको करना है यहां पर जेल को, और इसको क्या करना है यहां से आउट करना, बाहर निकालना बोले तो कट आउट,
यहाँ से काट के अपन ने यहाँ से बाहर निकाला, फिर इसको मेल्ट किया और अपन को डीएनए फ्रेगमेंट मिला कि नहीं मिला। डीएनए फ्रेगमेंट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है ये टर्म। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को मेल्ट और कट करने को बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एनसीईआरटी में है, ध्यान रखना। इल्यूशन क्या है? इस जेल को यहाँ से कट किया, फिर मेल्ट किया, डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करना, क्या कहलाता है? इल्यूशन प्रोसेस है। कट और मेल्ट करने की प्रोसेस को इल्यूशन बोलते हैं, ठीक है? बिल्कुल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। लोकेश, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इल्यूशन बना दो, बनाना ही है, तो बनाने में बड़ा जोर आता है तेरे को। पल्ले पल्ले पड़ रही है बात, थोड़ी है कैसे, मम्मी की याद आ रही है? खो जाते हैं कई बार हम चलते चलते, चलते चलते यूं ही खो जाता हूं मैं। अब ऊपर एक लाइन लिखी थी ना अपने, इथिडियम ब्रोमाइड वाली, उसके नीचे एक छोटी सी एक लाइन और ऐड करो, उसी में, उसी के नीचे। कलर तो लिखा ही नहीं अपने। नाउ डीएनए बैंड्स अपीयर, जो ऊपर लाइन लिखी थी ना अपने इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करके, उसके नीचे लिख दो, नाउ डीएनए बैंड्स अपीयर ब्राइट ऑरेंज कलर में अपन को दिखाई देंगे। कलर भी ध्यान रखना, ब्राइट ऑरेंज कलर, ठीक है? हाँ, नाउ डीएनए बैंड्स अपीयर ब्राइट ऑरेंज कलर्ड, लिख दिया। चलो हो गया, ये तो बना दिया था ना। चलो एक क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तो तुमको ऐसा मिल भी जाएगा। इधर देखना भाई, एग्जाम में ऐसा आ जाए, नंदनी बताएगी, ठीक है? PQRSTUV डीएनए फ्रेगमेंट दिए गए हैं, स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट कौन सा है? तो एक बोलो ना लोकेश, स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट कौन सा है? नहीं बना रहा, क्यों कैथोड एनोड क्यों नहीं बनाया? चलो, एक्स और वाई क्या है? एक्स वाई भी बताओ, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। एक्स क्या है? कैथोड। अरे ये वेल नहीं दिख रहे क्या? वेल में डीएनए डालेंगे तो यहाँ पे एनोड थोड़ी लगाएंगे, एनोड लगाएंगे वो यहीं पे रहेंगे, आगे जाएंगे क्या? तो यहाँ पे क्या होगा? कैथोड। यहाँ पे क्या होगा? एनोड। पहले एनोड और कैथोड बताना जरूरी नहीं है, तुम वेल को देखो, जहां वेल है वहां पे कैथोड मिलेगा, कैथोड पे नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव, और वी क्या होगा सबसे? स्मॉलेस्ट, और ये क्या है? पी लार्जेस्ट। ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और अब अगर अपन बोले तो कि इस आर को अपन को बाहर निकालना, कट करके मेल्ट करना है, बाहर निकालना है, तो प्रोसेस को इल्यूशन बना दो, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तुम करोगे तो। है वापिस बनाना, बनाने में बहुत जोर आता है। तो कोई टॉपिक अपन पढ़ते हैं तो कई बार उसको कितनी बार बनाते हैं? वेक्टर आगे आएगा, वेक्टर तो अभी तो शुरुआत है। अब कल पीसीआर पढ़ेंगे अपन, जो पीसीआर में वहां पे डीएनए वही फ्रेगमेंट बनाते बनाते इसी में है। अगले में इसके एप्लीकेशन है कि अपन किसके अंदर इंसर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या बनाते हैं, वो है। ये प्रोसेस है कि कौन कौन से टूल्स है, क्या क्या टेक्निक अपन यूज करते हैं। ध्यान रखना, जहां पे वेल होगा वो क्या होगा? कैथोड।
लिख दिया। इल्यूशन की डेफिनेशन भी लिख दो नीचे, इल्यूशन डाल दो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, लिख दो। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए, सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए कट आउट फ्रॉम द जेल, कट आउट फ्रॉम द एगारोज जेल, कट आउट फ्रॉम द एगारोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, जेल पीस, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। समझ गए, कट आउट करना और कट आउट करने के बाद उस पीस से डीएनए को, फ्रेगमेंट को अलग करना, क्या है इल्यूशन, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, हो गया। नेक्स्ट हैशटैग लगा दो, हैशटैग, अरे वो जो टकाटक पे वीडियो इंस्टा पे डालती है हैशटैग लगे लगाती, नहीं पहले डाले होंगे, हैशटैग तो लगाया ही है, ये लगा दो, ठीक है। अभी अपने क्या किया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए सेगमेंट्स को अकॉर्डिंग टू साइज अलग कर लिया, कर लिया। अब इसका और क्या यूज हो सकता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अपन को यूज क्या कर सकते हैं, इसका यूज अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने पास 3-4 सैंपल है और अपन बता सकते हैं कि कौन से सैंपल में, जैसे ही अपने आरी डाला तो कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट कटा है, कौन सा नहीं कटा है। चार, मान लो 3-4 सैंपल है अपने पास, 3 सैंपल है, तीनों सैंपल के अंदर आरी डाल दिया अपने, जैसे समझना, मान लो ये एक अपनी टेस्ट ट्यूब, ये दूसरी, ये तीसरी, इसके अंदर अपना डीएनए है, अपन को वैसे दिखेगा नहीं है लेकिन अपन तो इंटेलिजेंट है, अपन देख सकते हैं, जादूगर हैं, ये क्या है, इसके अंदर सॉल्यूशन है और इसके अंदर अपन ने क्या डाला, आरी, मान लो आरी ए डाल दिया, ए मतलब फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आरी बी डाल दिया और इधर डाल दिया आर ई सी, ए बी सी तीनों में आरी डाला। अब कि तीनों में इसका ये डीएनए फ्रेगमेंट टूटा कि नहीं टूटा, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स में टूटा कि नहीं टूटा, डीएनए फ्रेगमेंट्स में टूटा कि नहीं टूटा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, तोड़ता है फ्रेगमेंट्स में, कहीं से भी तोड़ देता है, एक स्पेसिफिक साइट होती है, ओरिजिन नहीं, एक स्पेसिफिक साइट होती है, एक सीक्वेंस होता है, कौन सा सीक्वेंस बोलते हैं उसको, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, या साइट को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट, वहां से कट करेगा। तो मान लो इसके पास वो स्पेसिफिक साइट है ही नहीं, तो क्या इसको कट करेगा, वो नहीं करेगा, वो तो अगर स्पेसिफिक साइट मिलेगी तो ही डीएनए फ्रेगमेंट को कट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऐसा इसके साथ, ऐसा ही इसके साथ। अब इन तीनों सैंपल को अपने को देखना है कि उसका कटा कि नहीं कटा, तो क्या ये डीएनए बोलेंगे कि मेरा कट गया, मतलब मेरा नहीं, मैं कट गया मैं कट गया कि नहीं कट गया, तो नहीं, देख नहीं कटा चलो देखते हैं किसका कटा किसका नहीं कटा, इधर देखना। अब मान लो इससे अपने आरी डाला था, ये ले देखते हैं सेपरेट होगा कि नहीं होगा, ये वेल्स, और इस सैंपल को अपन ने यहां पे डाला, जैसे ही सैंपल को यहां पे डाला ये मिल गया, ठीक है, हैं? अच्छा जोर नहीं आया सर बनाने में, चल दो बच रहे हैं तो ये ले, ठीक है खुश, इसके अंदर डाल दिया। जब इसके अंदर अपन ने देखा तो इसका ये लो, देखते हैं आगे वाले का क्या हुआ ये तो इसका पूरा ही कट गया सर, ये लो। इस तीनों को देखते हुए अपन क्या बता सकते हैं, जो फर्स्ट वाला है ये ए और ए बी और सी, इसका मतलब क्या है, ए पे आरी ने एक्ट नहीं, काम नहीं किया, उसको कट नहीं किया, इसी वजह से एक ही बैंड मिला, जो जितना डीएनए था वही बैंड मिल गया, अपन को ब्राइट ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा था, ये फ्रेगमेंट्स में कटा, ये भी फ्रेगमेंट्स में कटा, सबसे ज्यादा किसका कटा, सी का। तो बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं, कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट्स में कट हुआ है कौन सा नहीं हुआ, आरी ने कहां से काटा कहीं से नहीं काटा, ठीक है बनाओ। यही था हैशटैग में, एक लाइन भी लिख देना,
एनसीईआरटी लाए हो क्या? एनसीईआरटी दो, एनसीईआरटी का एक डायग्राम है जो कि एग्जाम में आएगा, वो यही बताता है। जब हम पढ़ते थे हमको समझ में आया नहीं था, हमने छोड़ दिया था ऐसे कि चलो ठीक है याद कर लेंगे। अब देखो तुम्हारे समझ में आ जाएगा, कुछ हार्ड तो नहीं है, इजी है। ऊपर यहाँ पे आर ई फ आर ई, यहाँ पे लिख दो फ ए आर ई बी, इधर लिख देना आर ई सी, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। इसके नीचे लिख दो, इस डायग्राम के नीचे लिख दो एरो करके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑल्सो यूज फॉर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑल्सो यूज फॉर चेकिंग ऑफ, चेकिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, चेकिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ठीक है। अब इस डायग्राम को देखना, एक अपने डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, इधर देखना, ये देखो ये डायग्राम है ना, यहाँ पे ब्राइट ऑरेंज कलर में दिख रहा है सब कुछ, ये वेल्स, ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये तो अपन को पता है डीएनए बैंड्स बन गए। यहाँ पे देखना फर्स्ट एक दो तीन चार, यहाँ पे अपने तीन बनाइए, एक दो तीन चार वेल हैं, चार वेल्स में फर्स्ट में देखो सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट है, जिसका मतलब ये कटा नहीं। सेकंड में फ्रेगमेंट चार है, कट गया, थर्ड में भी कटा, फोर्थ में बहुत सारे फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट में कटा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रेगमेंट्स किसके बने? लैन फोर, लैन का मतलब समझते हो, लैन ठीक है, लैन फोर, लैन फर्स्ट। तो इसके नीचे लिखा हुआ है, जब पढ़ना एनसीईआरटी जाके, ए टिपिकल एगारोजेल, ए टिपिकल एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोविंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड मतलब ब्रेक नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, लेन फर्स्ट, लेन फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डाइजेस्ट नहीं हुआ मतलब ब्रेक नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड है। एंड एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स लेन टू एंड फोर, ये दो से लेकर फोर तक, टू टू फोर, दो से लेकर चार तक लेन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि डीएनए फ्रेगमेंट डाइजेस्ट हुए हैं, डाइजेस्ट होने का मतलब ब्रेक हुए, टूटे हैं, कट हुआ है ठीक है। तो ये है अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट ठीक है। तो अभी जाके तुम लोग खाना खाना, राजू।